हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र पार्ट टू के हैं, यानी 22 से 25 सत्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनका सेकेंड सेमेस्टर यानी पार्ट टू परीक्षा कब होगा, रूटिंग एडमिट कार्ड फॉर्म कब से भराएगी, सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो पार्ट थर्ड का एग्जाम अभी चल रहा है, जो 10 अप्रैल तक चलने वाली है। उसके बाद पार्ट टू परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। पार्ट टू परीक्षा फॉर्म भराने के बाद परीक्षा कब से शुरू होगी, गैस क्वेश्चंस आपको अभी से पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चे पढ़िए और अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम के समय, जो एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। हालांकि पार्ट थर्ड का क्वेश्चंस पेपर अभी मिल रहा है, आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं कितना गैस क्वेश्चंस इस वीडियो से और ये इस चैनल से आपको पूछा जाता है परीक्षा में। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जो भी पार्ट टू के छात्र छात्राएं, उनका परीक्षा फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक से भराना शुरू हो जाएगा, जो लगभग मई तक चलने वाले हैं, और परीक्षा मई जून में ले ली जाएगी। ये सारा काम जल्दबाजी में हो जाएगा, टाइम आपके पास बहुत कम है। तैयारी के लिए आप लोग शुरू कर दीजिए, भिड़ जाइए, और जितना गैस पेपर होता है, मनोरमा गैस पेपर होता है, सारा गैस पेपर आप लोग खरीद लीजिए। जो भी होता है, सबसे बेहतर कौन सा बुक होता है ये भी हम आपको जानकारी देंगे इसी वीडियो में, आपको लास्ट में बता देंगे, ताकि आप वही बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम का डेट जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मई जून में एग्ज़ाम ली जाएगी, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल रूप से तन मन से लग जाइए। एडमिट कार्ड रूटिंग, एडमिट कार्ड आपका जारी होगा परीक्षा से 1 सप्ताह पहले जारी होगा, रूटिंग परीक्षा से 3 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले जारी कर दी जाएगी। याद रखिए, आप लोग का मई में ही ये सारा चीज़ आ जाएगा, रूटीन और डेट शीट आ जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके बाद आपका फॉर्म तो भरा ही लिया जाएगा। अप्रैल के लास्ट सप्ताह शुरू हो जाएगा आपका, और ये सारी जानकारी आपको इसमें दी। सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर आपका जो पार्ट वन में रहा था, वही सेंटर आपको पार्ट टू में भी रहने वाला है, पार्ट थर्ड में भी रहने वाला है, क्योंकि अभी पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें देखा गया है जो पार्ट वन में सेंटर था वही टू में भी रहा, वही सेंटर पार्ट थर्ड में भी रहता है। तो सेंटर के लेकर के तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ सेंटर हुआ है इस बार थोड़ा बदल गया है, एग्जाम होते होते समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर आ रहा, ऐसा ही कुछ कॉलेज है जिसका सेंटर बदल गया था, बाकी सबका सेंटर वही रहता है। यहाँ पे आप लोग सारे जानकारी देख लिए हैं। अब आप लोग को टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन हो जाना है, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। गैस पेपर सबसे बेस्ट कौन होता है पार्ट टू के लिए, रेखा गैस पेपर भी बाजार में है और मनोरमा भी है, दोनों गैस पेपर काफ़ी पॉपुलर हैं और ये दोनों से क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो मिलता है वो क्वेश्चंस बैंक से मिलता है। क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है पार्ट टू का, तो 2022 का क्वेश्चंस और 2020 का टू कॉपी आपको देखने को मिल जाएगा। सम विषम नंबर हम आपको समझाए हैं, पार्ट थर्ड के बच्चे को समझाए हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि रेखा और मनोरमा गैस पेपर लेना है, और यहाँ से जूलॉजी का कुछ क्वेश्चंस पेपर आउट हुआ था, वायरल हुआ था, जो हमने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलता रहेगा, अपडेट कहाँ मिलता रहेगा, तो madhavnc.com पर मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ आपको इस चैनल पर भी मिलता रहेगा। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, पार्ट टू से संबंधित या ग्रेजुएशन से संबंधित आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके अंदर भी कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट कीजिए। बाकी हम आपको मिलते हैं कॉमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।